बिहार की राजधानी पटना में शराब माफियों ने एक दिन पहले ही छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला भी बोल दिया है। रविवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी नारे की तर्ज पर शायराना अंदाज में सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। तेज प्रताप ने एक और ट्वीट में कहा, सुशासन, शराबबंदी और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक साथ चिथड़े चिथड़े होते इस वीडियो को जरूर देखिए। पूर्ण शराबबंदी में शराब की खेप पकड़ने गए कुशासनी प्रहारियों को शराब माफियों द्वारा पिटाई और गोलीबारी की जाती है, फिर भी सुशासन है। और हाँ, घटना बिहार विधानसभा के नजदीक की ही है। वहीं तेजस्वी ने ये भी इस ट्वीट के जरिए शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना में आर ब्लॉक रेलवे लाइन के समीप शराब उतारने जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायर झोंक दिए थे। पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि एक शराब तस्कर भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई गई है। वीडियो में देखिए कैसे ये लोग एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं, पैर से डंडों से वर्दी फाड़ डाला। जान बचाने की भीख मांग रहा यह पुलिसकर्मी पटना के जखनपुर थाना का एएसआई आशुतोष राय है। दरअसल शनिवार की सुबह पटना को मीठापुर में शराब माफियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान शराब माफियों ने पुलिस वालों की बुरी तरह पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में एक शराब के धंधेबाज को गोली लगी, जबकि दरोगा सहित तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शराब माफिया पुलिसकर्मी की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर आक्रामक है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया वे 2 महीने में क्या करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।